बाद जेलेंस्की के काउंटर अटैक की। जेलेंस्की ने इस हमले की तारीख तय कर ली है, लेकिन अब उन्होंने कोड वर्ड में बात करने का ऑर्डर जारी कर दिया है ताकि पुतिन को इस काउंटर अटैक के बारे में जरा भी भनक ना लगे। हालांकि जेलेंस्की के एक वीडियो ने यूक्रेन का पूरा प्लान लीक कर दिया है। जेलेंस्की ने अपनी फौज को चुप रहने के लिए कहा है, अब बहुत खामोश रहना है। ऐसा तोप के गोले दागने वालों को कहा गया है, आवाज नहीं करनी है। यूक्रेन के स्नाइपर्स को बहुत चुपचाप हमले के लिए कहा गया है। बख्तरबंद फोर्स को मैसेज है, साइलेंट अटैक का वक्त आ गया है। चुपकर हमला करने वाले स्नाइपर कमांडो भी सरप्राइज देने को तैयार हैं। रूस और यूक्रेन के मोर्चे पर निगरानी करने वाले सैनिकों या फिर रूस की बख्तरबंद गाड़ियों पर हमले करने वाले कमांडो। और फिर 39 सेकंड के इस वीडियो में आखिर में दिखाया जाता है दो F-16 फाइटर जेट, ताकि पुतिन के दिल में इस लड़ाकू विमान का खौफ बैठ जाए। В людях вона в містах, вона у житті. А коли зневажають і життя, і людей, і найбільш вагомі для культури міста, буде тільки програш. Програш для Росії. Зеленський का खामोशी से भरा काउंटर अटैक वाला प्लान पूरी तरह तैयार है। जेलेंस्की ने बहुत जोर देकर कहा है, इस बार हमला ऐसे चुपचाप तरीके से किया जाए कि रूस की फौज की चूले हिल जाएं, फिर बखमूत भी आजाद हो, लुहांस्क भी आजाद हो, डोनेस्क भी छुड़ा लिया जाए और मारियोपोल से भी रूस का कब्जा हटा दिया जाए। जेलेंस्की इस मौके को यूक्रेन युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कैसे होगा? रूस इस युद्ध में बहुत आगे बढ़ चुका है। यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा करीब करीब पूरी तरह रूस के कब्जे में है और जेलेंस्की के पास इतनी ताकत नहीं कि वो वहां पुतिन की जड़ों को हिला सके। लेकिन जेलेंस्की का हौसला सातवें आसमान पर है और इस बार उनका इरादा मॉस्को को पूरी तरह हिला देने का है, रूस की जड़ों को खोद देने का है। पुतिन के खौफ को मिट्टी में मिला देने का इरादा तो जेलेंस्की 24 घंटे रटते रहते हैं। За свою історію Київ бачив різні підлості від загарбників, пережив їх усіх, переживе і рашистів. Жодного із них тут не буде. Київ та всі наші міста, вся наша Україна поставить крапку в історії московської деспотії, яка дуже довго і дуже різним народам несла поневолення. काउंटर अटैक के लिए जेलेंस्की ने तारीख तय नहीं की है, बस बता दिया है कि पुतिन की फौज पर जवाबी हमला बहुत ही खामोशी से होगा। ऐसा हमला जिसका ऐलान जेलेंस्की नहीं बल्कि यूक्रेन की फौज के धमाके करेंगे। जेलेंस्की का आत्मविश्वास इस कदर बहुत बुलंदी पर है और इसकी कई वजह है। सवाल है कि क्या पुतिन इसके बारे में जानते हैं? क्या पुतिन की फौज जेलेंस्की के काउंटर अटैक को रोक पाएगी? क्या जेलेंस्की खेरसान वाली कामयाबी दोहरा पाएंगे? और अगर ऐसा हुआ तो क्या पुतिन बखमूत के साथ मारियोपोल और मेलिटोपोल जैसे जीते हुए शहरों को खो देंगे? पुतिन के पास जवाब अगर है तो इसके बारे में वो अभी नहीं बताएंगे, लेकिन चुनौती के तौर पर यूक्रेन की फौज बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है। आप
आप जेलेंस्की की डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर हैना की बात को समझिए, आपको जेलेंस्की के इरादे पता चल जाएंगे। Наша позиція дуже проста. Ми не воюємо на території інших держав. У нас немає ніяких претензій територіальних і амбіцій щодо інших держав. У нас є міжнародно визнані кордони нашої держави. Частина з наших територій тимчасово окупована. Наша задача їх повернути. І от на цій території ми застосовуємо безумовно. Зеленський абі дві дишаओं में हमला करना चाहते हैं। वो पूर्व में रूस की फौज पर बड़ा अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं। वो दक्षिण में भी बनाए गए रूस के फौजी अड्डों को तबाह करने की तैयारी कर रहे हैं, लिहाजा उनके टारगेट पर पूर्व और दक्षिण दिशा है। जेलेंस्की ने अपने वीडियो में F-16 लड़ाकू विमान भी दिखाए हैं। ये वो फाइटर जेट हैं जो उनको देने का वादा तो किया गया है, उनके पायलट्स को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, लेकिन ये विमान उनको मिलेंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि पुतिन को डराने वाले वीडियो में F-16 का होना ये बताता है कि बाइडेन और जेलेंस्की के बीच इस फाइटर जेट को लेकर फैसला फाइनल हो चुका है। जेलेंस्की को फाइटर देर से ही सही लेकिन जरूर मिलेगा। पहले ऐसा नहीं था क्योंकि 3 मई को क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक के बाद जेलेंस्की को लेकर अमेरिका का भरोसा काफी कम हुआ, लेकिन जेलेंस्की जब जापान में G7 बैठक के दौरान जो बाइडेन से मिले और साथ में यूरोप ने भी जिद की तो बाइडेन पिघल गए। बाइडेन ने जेलेंस्की से कहा कि कसम खाओ कि रूस पर अटैक नहीं करोगे। जेलेंस्की इस बात के लिए राजी हुए और अब यूक्रेन के लिए F-16 का रास्ता खुल गया। जेलेंस्की बहुत खुश हैं क्योंकि रूस के हवाई हमलों ने इस वक्त यूक्रेन की कमर तोड़ कर रख दी है। कोई दिन ऐसा नहीं होता जब यूक्रेन पर हवाई हमला ना हो, आसमान से कोई बम ना गिराया जाए। रूस के फाइटर जेट यूक्रेन के आसमान में खुल्लम खुल्ला तबाही मचा रहे हैं और इसी वजह से जेलेंस्की लगातार खुद को बेबस महसूस करते रहे और उनकी मांग F-16 जैसे खतरनाक फाइटर जेट पर कायम रही। लेकिन पुतिन और बाइडेन कैंप के बीच हुई बातचीत में खतरा बता दिया गया है कि F-16 की वजह से विश्व युद्ध की नौबत आ सकती है। F-16 आया तो जाहिर है ये काउंटर अटैक में सबसे बड़ी भूमिका अदा करेगा। जेलेंस्की का काउंटर अटैक जब भी शुरू होगा तो लंबा चलेगा, तब हथियार गोदाम लगातार भरे रहने चाहिए, विमानों के साथ सैनिकों की कमी नहीं होनी चाहिए। I'm very happy. Thank you very much. Thanks our partners. It really will help our society, our people to save houses, families. I think it's not the decision that we will have all these defending measures tomorrow. We have to prepare, but anyway, that is great result. Thanks to all the countries, to our partners. Thank you very much. 2023 में अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को $5 बिलियन यानी करीब 40,000 करोड़ की मदद दे दी है। 2022 में अमेरिका ने यूक्रेन को 50,000 करोड़ की मदद दी थी। कुल मिलाकर अमेरिका की फंडिंग से जेलेंस्की पर इस वक्त डॉलर की बारिश हो रही है और दौलत की ये बरसात पूरी दुनिया देख रही है। पैसों की बारिश और हथियारों की बारिश, जेलेंस्की का हौसला बुलंद है। यही वजह है कि जेलेंस्की इस वक्त मॉस्को पर ड्रोन से हमले कर रहे हैं। जेलेंस्की ने बखमूत का मोर्चा भी संभाला हुआ है और अब आए दिन नए नए ट्रेलर रिलीज करके वो पुतिन के साथ वीडियो वाला माइंड गेम भी खेल रहे हैं। इससे पहले जेलेंस्की ने मई के आखिर में भी एक ट्रेलर रिलीज किया था, इसमें भी बहुत जोश दिखा। जेलेंस्की की फौज ने इस वीडियो में भी रूस को खत्म करने की कसम खाई। इस 1 मिनट के वीडियो में जेलेंस्की ने अमेरिका से मिली M777 तोप से लेकर हाईमार्स के रॉकेट हमले दिखाए। जेलेंस्की ने बहुत ही घातक माने जाने वाले स्नाइपर अटैक से लेकर जर्मनी से मिले बहुत ही खास लेपर्ड टैंक की बमबारी भी दिखाई। इस वीडियो में जेलेंस्की का कमांडर तो हूबहू कादिरफ की तरह नजर आया। सवाल उठा कि क्या ये जेलेंस्की का कादिरफ है? इस कमांडर का नाम, इसकी पहचान, सब कुछ गुप्त रखा गया है। जेलेंस्की का ये कमांडर हथियारों की ताकत दिखाकर यूक्रेन के नौजवानों को बता रहा है कि देश की फौज को उनकी जरूरत क्यों है। जेलेंस्की का ये कमांडर कैसे जोश दिला रहा है, बहुत गौर से देखिए।
Господь, Отець наш Небесний, благословіть. Благословіть! Я йду знищувати! Ворогів землі рідної! Ми своїх братів! Противники моїх посадок! देखिए इस कमांडर की बातों को कैसे यूक्रेन के सैनिक दोहरा रहे हैं। इस कमांडर में ऐसा क्या जादू है कि यूक्रेन के फौजी अब अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं? ये वो सवाल है जो इस कमांडर की तुलना पुतिन के कादिरव से कर रहे हैं। यूक्रेन की फौज का ये कमांडर बता रहा है कि कैसे रूस की सेना ने उनके देश पर कितना जुल्म किया है। बुचा से लेकर मारियोपोल और बखमूत के हमलों की याद दिलाई जा रही है और फिर बहुत जोश के साथ बदला लेने का इरादा। ये जेलेंस्की का नया माइंड गेम है। Нехай рука моя буде твердою, щоб вбивати ворогів. Нехай око моє буде ясним, щоб вбивати ворогів. Нехай зброя моя буде справною, щоб вбивати ворогів. Нехай воля моя буде сталь, щоб вбивати ворогів. Україно, рідна земля мати. Господь, Отець наш Небесний, благословіть наш рішучий наступ, нашу священну помсту, нашу святу перемогу. काउंटर अटैक के बीच जेलेंस्की नए फौजियों की लगातार भर्ती करना चाहते हैं। जेलेंस्की नई फौज बनाना चाहते हैं। जेलेंस्की बखमूत के बाद दूसरे मोर्चे को बचाना चाहते हैं। सवाल है कि आखिर यूक्रेन को बार बार नया वीडियो जारी करने की नौबत क्यों आ रही है? इसे जेलेंस्की की नई ताकत समझा जाए या फिर जेलेंस्की की बहुत बड़ी कमजोरी? क्योंकि पुतिन तो वीडियो रिलीज करने में नहीं बल्कि हमला करने में यकीन रखते हैं और वो वार्निंग तो बिल्कुल नहीं देते।